नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। सीढ़ियों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि रंगों के माध्यम से क्या सीढ़ियों का वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। सीढ़ियां एक फिक्स लोकेशन में हम लोग बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, लेकिन सीढ़ियों का लोकेशन, अगर स्थान गलत स्थान हो गया है तो रंगों के माध्यम से हम उसका, जी हाँ दोस्तों, वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो कौन सा कलर लकी कलर होता है, बेस्ट कलर होता है स्टेयर केस के लिए, आज ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीढ़ियों के लिए उत्तम रंग कौन सा होता है। सीढ़ियां कहीं भी हो, एक कॉमन उत्तम रंग कौन सा होता है? तो मैंने सब हमेशा बताया है, नेचुरल प्राकृतिक रंग जैसे सफेद, शेड्स ऑफ व्हाइट, ये सबसे उत्तम होता है किसी भी दीवार के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी बेडरूम के लिए, किसी भी स्थान के लिए, खासकर सीढ़ियों के लिए भी ये सबसे उत्तम रंग होता है। अब देखते हैं कि सीढ़ियों के लिए कौन सा कलर अच्छा नहीं माना जाता है। तो डार्क रंग, काला रंग, लाल रंग आप इस्तेमाल ना करें। हर जगह एक सा रंग ना हो, दीवार का, छत का, स्टोरेज अगर सीढ़ियों के नीचे बना रखा है तो सबका रंग थोड़ा अलग होना चाहिए। इस तरीके के डार्क रंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये नकारात्मकता लाती है। सीढ़ियों के लिए अब उत्तर रंग हम लोग देखते हैं स्थान के हिसाब से। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मान लिया एक हमारा कंस्ट्रक्शन है जिसको कि 9 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ठीक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण, पृथ्वी का स्थान है ये। यहाँ पर सफेद, पीला, लाइट ब्राउन सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए, लेकिन लाइट ब्राउन अगर आप करते हैं तो दक्षिण पश्चिम सीढ़ियों के वास्तु दोष निवारण के लिए जरूरी है। क्यों दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां वास्तु दोष लाती हैं? क्योंकि तो दक्षिण पश्चिम ये मास्टर बेडरूम का स्थान है और यहाँ आपने सीढ़ियां बना दी तो मास्टर बेडरूम यहाँ नहीं है, यानी कि घर के मुखिया पर जो दोष है ये लाइट ब्राउन कलर से दूर हो जाएगा। सामान स्टोरेज अगर यहाँ आपने बना रखा है तो उसका रंग आप चाहे तो पीला रख लीजिए, तो सारे वास्तु दोष आपको दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियों के दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व और पूरब की, उसी कंस्ट्रक्शन में जिसके हम लोग ने 9 बराबर भागों में बांटा था। तो ठीक दक्षिण में सफेद, पीला, हल्का लाल, हल्का लाल नारंगी, हल्का गुलाबी, हल्का ब्राउन सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। सामान स्टोरेज रैक का रंग आप पीला कर सकते हैं, यानी कि दक्षिण में आप हल्का लाल, हल्का पीला रख सकते हैं। ठीक दक्षिण पूर्व में आप नारंगी, गुलाबी रख सकते हैं और ठीक पूर्व में सूर्यमुखी पीला आप रख सकते हैं। ये सारा वास्तु दोष आपका दूर करेगा सीढ़ियों का। अगर यहाँ सीढ़ियां बनी हुई है, ये आग्नेय कोण के समीप है, यहाँ किचन होना चाहिए लेकिन सीढ़ियां अगर बनी हुई है तो आप इस रंग का इस्तेमाल करें, आपका वास्तु दोष दूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तर या उत्तर पूर्व में। उत्तर या उत्तर पूर्व सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। ये क्षेत्र वास्तु में हल्का स्थान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंटिक एनर्जी जनरेट होती है। सीढ़ियां बना देने से वहां पर एक मैंटिक एनर्जी जनरेशन का जगह खत्म हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। लेकिन दोस्तों इसको भी हम लोग रंगों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो उत्तर पूर्व जुपिटर का स्थान है, बृहस्पति देव का स्थान है, गुरु का स्थान है, यहाँ पर आप पीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उत्तर में हल्का नीला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सफेद, पीला, क्रीम, हल्का नीला सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। अगर ये दीवार सीढ़ियों की उत्तर या उत्तर पूर्व में हो, ईशान कोण की सीढ़ियों के लिए हल्का नीला पीला उत्तम माना जाता है। तो इस दोनों में से आप कोई रंग कर लीजिए तो बहुत उत्तम है, आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण और पश्चिम के सीढ़ियों के बारे में, उसी कंस्ट्रक्शन में जिसको कि हम लोग ने 9 बराबर भागों में बांटा। उत्तर पश्चिम ये चंद्रमा का स्थान है, ये स्थान सफेद रंग अगर होता है तो अच्छा माना जाता है। पश्चिम
शनि देव का स्थान है, शनि न्याय के देवता है, मेटालिक ब्लू यहाँ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सफेद थीम ऑफ व्हाइट सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। अगर सफेद उत्तर पुष्प पश्चिम सीढ़ियों के वास्तु दोष निवारण के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ठीक पश्चिम में अगर आपकी सीढ़ियां हैं तो इसका रंग आप मेटालिक ब्लू कर सकते हैं। जैसे तो ठीक पश्चिम की सीढ़ियां वास्तु दोष दूर नहीं, वास्तु दोष वास्तु में अच्छी मानी जाती है। अगर आप मेटालिक ब्लू कर लेते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। किसी को मेटालिक ब्लू नहीं पसंद है तो मैंने सफेद बताया, सफेद भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए किन्हीं की सीढ़ियां उन्होंने घर के मध्य में बना रखा है, उसी कंस्ट्रक्शन में जिसको कि 9 बराबर भागों में बांटा था। तो मध्य में सीढ़ियां हैं, घर के ड्राइंग रूम से होके जाती हैं। वैसे तो ये स्थान खाली हो स्थान होना चाहिए, ब्रह्म स्थान होना चाहिए, लेकिन वहां सीढ़ियां बना ली हैं तो घबराइए मत दोस्तों। वहां पर आप पीला रंग कर दीजिए सीढ़ियों का, आपका सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो इस तरह रंगों के माध्यम से मैंने अलग अलग स्थानों पर सीढ़ियों का वास्तु दोष दूर करना बताया। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।